could be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इविस्टन यूट्यूब चैनल पे। और आज आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है याकुजा कंपनी का स्पैरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफ़ी कमाल का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि एक है आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस कार्ट के माध्यम से ऑन कर सकते हैं। कैसे ऑन करना है, आपको सिंपली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सामने इस कार्ट को ले जाने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ऑन हो जाता है। फिर से एक बार ले जाने से यह इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन ऑफ हो जाता है, ले जाने से ऑन हो जाता है और एक बार फिर से ले जाने से यह ऑफ हो जाता है। तो ये तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक फीचर्स हो गया। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कितना रेंज देखने को मिल जाता है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कितना स्पीड आपको देखने को मिलता है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप कितना पैसा खर्च करके खरीद सकते हो, पूरा डिटेल्स आपको आज के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचाने का। मैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फाइबर क्वालिटी का यूज़ किया गया, लेकिन इसका जो फाइबर का क्वालिटी है वो आपको काफ़ी मजबूत देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में फ्रंट पे आपको यहाँ पे याकुजा का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है वहाँ पे आपको ब्लैक बॉडी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ब्राउन कलर देखने को मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी मजबूत देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट व्हील मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट व्हील पे 12 इंच का एलॉय व्हील यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट व्हील पे यहाँ पे आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मडगार्ड की क्वालिटी भी आपको काफ़ी मजबूत सी देखने को मिलता है, मतलब जैसे नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर में देखने को मिलता है वैसा ही क्वालिटी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं आपको रियर से भी दिखा देता हूँ, ताकि आप जान सके रियर से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा दिखता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के रियर व्हील पे आपको जो है BLDC हब मोटर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में रियर व्हील पे आपको जो है डुअल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मोटर गार्ड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको यहाँ पे बैक लाइट देखने को मिलता है और दोनों ही साइड पे आपको बैक इंडिकेटर देखने को मिलता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर से पास हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या फिर नंबर प्लेट देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के रियर व्हील पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम ब्रेक का यूज़ किया गया है, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के रियर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम ब्रेक का यूज़ किया गया है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको और क्या फीचर्स देखने को मिलता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो सीट का कलर है वो भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, सीट का जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी नरम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको याकुजा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पैरो मॉडल देखने को मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को तो मैंने आपको फ्रंट से और रियर से दिखाया, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्विचिंग सिस्टम के आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्क्रीन पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिल जाता है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया, अगर आप हैजर्ड को ऑन करता है तो आपका दोनों ही इंडिकेटर एक साथ जल उठता है। यहाँ पे आपको हैलोजिन लाइट का यूज़ किया गया है, तो आप देख सकते हैं येलो इंडिकेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप हैजर्ड को ऑन करके यहाँ पे आप इंडिकेटर को भी ऑन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको हॉर्न का स्विच भी देखने को मिल जाता है, मैं आपको हॉर्न का साउंड सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो हॉर्न यूज़ किया गया वो हॉर्न भी आपको काफ़ी लाउड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ से आप आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैसे ऑन ऑफ करना है यहाँ पे आप अगर आप ऑन करते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो DRL लाइट का यूज़ किया गया वो जल उठेगा। इसी के साथ में अगर आप एक बार फिर से ऑन करते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का हेडलाइट जो है वो जल उठेगा। टोटली LED में यूज़ किया गया है, तो देखने में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दूर से काफ़ी शानदार लगता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे हाई बीम लो बीम का यूज़ किया गया है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्विच का जो क्वालिटी है वो बाकी नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है उससे भी काफ़ी शानदार क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कौन से मोड पर आपको कितना स्पीड देखने को मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमको दो राइडिंग मोड देखने को मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर तीन राइडिंग मोड का ऑप्शन है, लेकिन अगर ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर
स्कूटर में पास हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको दो ही राइडिंग मोड देखने को मिलता है। फर्स्ट मोड पे आपको कितना स्पीड देखने को मिलता है, फर्स्ट मोड पे मैं अगर थ्रॉटल घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैं फुल थ्रॉटल घुमा चुका हूँ, 39 किलोमीटर पर आवर का जो है टॉप स्पीड हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं सेकेंड मोड पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का थ्रॉटल घुमाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेकेंड मोड पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दे दिया, थ्रॉटल घुमाने से सेकेंड मोड पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको 48 किलोमीटर पर आवर का जो है टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का अगर आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, अगर आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलने के लिए रेडी है तो आपको यहाँ पे रेडी का स्विच भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी परसेंटेज कितना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिलता है। रिवर्स मोड पे जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे रिवर्स मोड का स्विच दिया गया है, रिवर्स मोड के स्विच को प्रेस करने से अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के थ्रॉटल को घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहा है। मैं इसका हब मोटर भी आपको दिखा देता हूँ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिवर्स मोड ऑन करके अगर मैं थ्रॉटल घुमाता हूँ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का आप देख सकते हैं इसका हब मोटर पीछे जा रहा है और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पीछे जा रहा है। तो ये तो हो गया इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्विचिंग सिस्टम वगैरह और मीटर में क्या चीज़ें देखने को मिलता है। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो मिरर है, लुक वाइज ये दोनों ही मिरर काफ़ी शानदार है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ये मिरर और भी क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया देखने को बना देता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, बूट स्पेस भी मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का आपको दिखा देता हूँ। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए इसके चाबी को एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से इसका बूट स्पेस ओपन हो जाता है। बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। आप अपने डेली यूसेज के सामान वगैरह कुछ भी हो वो यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। हालांकि हेलमेट तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आप अपने डेली यूसेज के और वगैरह बैग वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको MCB भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिमूवेबल बैटरी तो देखने को नहीं मिलता है, इसके लिए यहाँ पे ये बंद है। ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो कंपनी के तरफ से आपको एक कार्ड भी दिया गया है। आपको अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते हुए किसी भी तरह की पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो अगर आप उनको ये कार्ड दिखाते हो तो आपको किसी भी तरह का फाइन वगैरह नहीं होगा। मैं इसको रख देता हूँ, इसको बंद भी कर देता हूँ। इसका लेग स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, लेग स्पेस उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है, आप अपने पैर भी रख सकते हो और अपना थोड़ा मोड़ा सामान वगैरह भी इस लेग स्पेस में रख के भी कैरी कर सकते हो। इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक हुक दिया गया है, आप अपने कुछ थैली वगैरह अगर सामान वगैरह ले जाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख के कैरी कर सकते हो। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंने आपको दिखाया स्मार्ट कार्ड दिया गया है, तो आप इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन कर सकते हो। कैसे ऑन करना है, सिंपली मास स्मार्ट कार्ड को ले जाने से इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है और ले जाने से ऑफ हो जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिमोट स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है, चाबी से ऑन कर सकते हो, कार्ड से ऑन कर सकते हो और रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। कैसे ऑन ऑफ करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको प्रेस करने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है कीलेसली स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ में आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, कैसे ऑफ करना है एक बार फिर से, इसको प्रेस करने से ऑफ हो जाता है। इसी के साथ में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है इस रिमोट के माध्यम से लॉक भी कर सकते हो। अगर आप लॉक करते हो, कोई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चोरी करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में कुछ छेड़खानी करता है, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अलार्म बजेगा और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो हब मोटर है वो लॉक हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको प्रेस करने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है मोटर है वो लॉक हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर टोटली लॉक हो जाता है। फिर अगर कोई आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में छेड़खानी करता है तो आप देख सकते हैं इसका मोटर जम हो जाता है और यहाँ से आपको अलार्म भी बजने लगता है। फिर अगर ऑफ करना है तो सिंपली इसको प्रेस करने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है अनलॉक हो जाता है। बहुत सारा कंसर्न रहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टैंड का क्वालिटी मजबूत नहीं होता, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप देख सकते हैं टोटली आयरन स्टैंड का यूज़ किया गया है, एल्युमिनियम का नहीं है, तो मजबूत स्टैंड का यूज़ किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पे भी आपको आयरन का स्टैंड देखने को मिल जाएगा, मोटर गार्ड तो मैंने आपको दिखा भी दिया, लेकिन यहाँ पे जो बैक फुट रेस्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। आप इसको ऐसे टान के निकल नहीं सकते, अगर आप इसके स्विच को प्रेस कर सकते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है ये खोल जाता है, आप देख सकते हैं। फिर इसको बंद करना है तो एक बार फिर से ले जाने से बंद हो जाता है और फिर से प्रेस करने से ये खोल जाता है। ये तो हो गया इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का फर्स्ट मॉडल, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक सेकेंड मॉडल अवेलेबल है जहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। कैसे म्यूज़िक सिस्टम को ऑन करना है, तो मैं सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के चाबी को ऑन करता हूँ। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के चाबी को ऑन करने से इसका स्क्रीन भी ऑन हो जाता है, तो फिर अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका म्यूज़िक सिस्टम भी ऑन हो जाता है। ब्लूटूथ के माध्यम से आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में म्यूज़िक भी चला सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। आप फ़ोन कॉल पे एक्सेस कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम नीचे कर सकते हैं।
इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, आप जहाँ से आपके मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट का भी यूज़ किया गया, आप आपके मोबाइल को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर आपका गाना सुनने का मन नहीं है तो आप बंद कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो हो गया इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या चीज़ें मिलता है, लेकिन अब आता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में आपको ये चार्जर देखने को मिल जाता है, जिस चार्जर से अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करते हैं तो 6 से 7 घंटे में आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है। लेड एसिड का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर एक बार चार्ज हो जाता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको इजीली 80 किलोमीटर का जो है माइलेज देखने को मिल जाएगा। ऐसे चार्ज करना है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में आपको जो चार्जर देखने को मिल जाता है, आप चार्जर को यहाँ पर रख दीजिए। इस चार्जर के पिन को यहाँ पर आपको चार्जर का जैक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लगा के आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में किसी भी 5 एम्पीयर का बोर्ड अवेलेबल है, सभी के घर में 5 एम्पीयर का सॉकेट अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इजीली चार्ज कर सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पोर्ट वगैरह घर में लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फिलहाल यहाँ पे 3-4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको वो दिखा दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर देखने में काफ़ी शानदार है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको मेरून कलर में देखने को मिल जाता है, इसी के साथ में यहाँ पे आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ग्रे कलर में भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने को मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का कलर ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस भी आपको बताऊँगा, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कितना वारंटी देखने को मिलता है। वारंटी इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वारंटी है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जर में, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के BLDC हब मोटर में, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बैटरी का यूज़ किया गया है लेड एसिड बैटरी का यूज़ किया गया है, तो उस लेड एसिड बैटरी पैक में, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंट्रोलर में आपको टोटल 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के वारंटी को आप बढ़ा भी सकते हो, मोटर के वारंटी को आप बढ़ा सकते हो। मोटर के वारंटी को बढ़ाने के लिए आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस के साथ में 1000 रुपीज़ पर ईयर पे करना पड़ेगा। अगर आप पर ईयर का 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के इस BLDC हब मोटर का जो वारंटी है वो आपको 1 साल ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात आता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कितना प्राइसिंग देखने को मिलता है, प्राइसिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप 60 वोल्ट के बैटरी के साथ में परचेस करते हैं, 60 वोल्ट के लेड एसिड बैटरी के साथ में परचेस करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस आपको आएगा 60,000 रुपीज़। जी हाँ, ओनली 60,000 रुपीज़ लेकर के आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस कर सकते हो। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप इजी EMI ऑप्शन में भी परचेस कर सकते हो, और नो कॉस्ट EMI पे भी आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप थोड़ा सा पैसा पे करके ये सब फीचर खरीद सकते हो। आप कहाँ से परचेस करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करने के लिए अगर आप वेस्ट बंगाल में हो, अगर आप हावड़ा जिला में हो, या फिर वेस्ट बंगाल के किसी भी जिले में हो, तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहाँ पे आके खरीद सकते हो। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम का एड्रेस और गूगल मैप का लोकेशन का लिंक वो आपको अपने स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे इंटरेस्ट रखते हैं वो इजीली आके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस कर सकते हैं, या फिर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, तो आप कॉल करके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का। इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर आपको कोई भी ओपिनियन अगर है तो वो ओपिनियन आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में जो लोग कम पैसा पे करके बहुत सारा फीचर्स के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफ़ी सारा फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लोकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको सिर्फ EVistan यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में।